बात एक वर्किंग कैपिटल डे टू डे कैपिटल होता है। इसका मतलब अगर आपने बिल्डिंग खरीद ली या मशीन खरीद ली, उससे तो पैसा स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया। तो डे टू डे रनिंग के लिए क्या पैसा है आपके पास, तो ये कहलाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। कहता है जी, लीरॉय सब लेट पार्ट ऑफ हिज प्रेमिसेस टू बोरिस। लीरॉय ने अपनी आधी जगह किसी और को रेंट पे दे दिए। हाउ कैन लीरॉय कैलकुलेट द रेंट रिसीवेबल। जो रेंट रिसीव हो रहा है, सही है भाई, 14 का आंसर है। जो रेंट रिसीव हो रहा है वो कैसे रिकॉर्ड होगा? तो याद है, सबसे पहले तो बैंक आता है। बैंक क्या? अमाउंट रिसीव। तो अमाउंट रिसीव आ जाएगा, सही जी। अमाउंट रिसीव के बाद बात करते हैं भाई अक्रूड या प्रीपेड। ये अमाउंट रिसीव के बाद, अच्छा मुझे बताएं, ईयर एंड पे अक्रूड प्लस होता है या माइनस होता है? ईयर एंड पे अक्रूड क्या होता है? प्लस होता है। अच्छा, अगर एंडिंग अक्रूड प्लस हो रहा है तो स्टार्टिंग अक्रूड क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। इसका मतलब ये ए और बी में से आना चाहिए। ओपनिंग अक्रूड क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ए और बी में से देखें। अच्छा मुझे बताएं, प्रीपेड ईयर एंड पे क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है? प्रीपेड ईयर एंड पे माइनस होता है। क्लोजिंग प्रीपेड क्या होता है? माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। यार इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो ये बताया था कि अगर एंड ऑफ द ईयर पे, आपको रूल्स बताएं, एंड ऑफ द ईयर पे अगर अक्रूड हो तो अक्रूड क्या हो जाता है? प्लस। और अगर एंड ऑफ द ईयर पे प्रीपेड हो तो प्रीपेड क्या हो जाता है? माइनस। ये कब के रूल्स हैं? ये एंड ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर में ये रूल्स क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। कैसे? अगर अक्रूड ईयर एंड पे प्लस हो रहा है तो स्टार्ट पे क्या कर देंगे? माइनस। और अगर प्रीपेड माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अरे बात सुन, तो ये वाले रूल्स हैं। आप चाहें तो इसके लिए अप्पा अकाउंट बना के भी देख सकते हैं। क्या है भाई? ए पी पी और ए। जब पैसे आते हैं आप क्या एंट्री बनाते हैं? जब पैसे आते हैं आप एंट्री बनाते हैं बैंक डेबिट, रेंट रिसीव का अकाउंट बना रहे हैं। बैंक डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट, ये बैंक आ रहा है। और ईयर एंड पे जितना बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इनकम स्टेटमेंट। अब मुझे ये फिगर फाइंड करना है इनकम स्टेटमेंट, और मैं चल रहा हूँ बैंक से। अब मुझे बताइए, जो हमने ए सिलेक्ट किया है, ओपनिंग अक्रूड क्या हो रहा है? माइनस। ये देखो, बैंक में हम ये ए को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, क्योंकि बैंक आ रहा है क्रेडिट साइड पे और हम क्या कर रहे हैं? हम डेबिट कर रहे हैं, तो ये माइनस हो रहा है। और मुझे बताएं, क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करना है? क्लोजिंग प्रीपेड को भी माइनस करना है, तो ये भी ऑपोजिट साइड पे। तो अगर आप देखें, बैंक में से दोनों चीजें माइनस कर दें, ये जो बैंक है इसमें से दोनों माइनस कर देंगे तो ये बचेगा इनकम स्टेटमेंट। तो आप चाहे अप्पा अकाउंट बना के कर लें, चाहे आप डायरेक्टली कर लें। बात समझ में आती है? क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बात करते हैं 16 की।